सीधी जिला पंचायत के नामांकन फार्मन के स्कूटनी चल रही है, छटाई चल रही है, दावा आपत्ति ली जा रही। यदौर माँ एक बड़ा नाम जो है मनोज कोल, जो पिछले हुए अपना के धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य रही शांति कोल जे वार्ड नंबर 6 सिमरिया से बतौर अभ्यर्थी लड़ी रही और चुनाव जीती रही। हालांकि अपना के नामांकन में पेच फंसा है, को आपत्ति लगाए हैं, जौने के बाद अब यह कयास लगाए जा रहे हैं कि यह नामांकन रद्द हो के संभावना है। कहे कि अबे लगभग बज रहे हैं, अपना का समय हम बतावे चाहिए थे 5:10, अबे तक में स्थिति यह है कि अपना का सीधी कलेक्टर मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीधी उनके द्वारा यह कह दिन गया है कि यदि अपना के लगे जो अपना के ऊपर कार्यवाही भई ही ओकर स्टे प्रमाण पत्र हो तो अपना ले आई तो अपना के चुनाव बहाल कह दिन जाई। अब पूरी बात जाने खातिर हम पहुँचे हैं मनोज कोल, जिनकर धर्मपत्नी शांति कोल आई और उनकर पर्चा नामांकन रद्द हो के कंडीशन में है। विन्द क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कर रिश्तेदारी अपना पंचन का सब जनन का प्रणाम करी थे और हमारे साथ मनोज भी है। मनोज भी है, का आपत्ति हो गई ही, का माहौल हो गया है कि जो उन्हें से अपना के चुनाव मतलब धर्म पत्नी के लड़ाई में खतरा आ रहा है? ये क्या है कि मैं भाजपा का हमेशा से विरोध करता था और ये हमारे पीछे के तिवारी के जी के द्वारा ये दबाव डाल के और मुझे षड्यंत्र के तहत मेरा पर्चा रिजेक्ट करवाया जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ग्राम पंचायत की पहले पूर्व में सरपंच थी, सरपंच के दरमियान में वो बिल्डिंग बनाई गई थी और बिल्डिंग बनाने के दरमियान में उस बिल्डिंग को गांव के लोगों को दे दिया गया था, जो विधिवत पूरी प्रक्रिया और ग्राम सभा का प्रस्ताव वगैरह सब था, लेकिन राजनीतिक दबाव यहाँ के स्थानीय पूर्व भाजपा अध्यक्ष के तिवारी और माननीय हमारे इस क्षेत्र के विधायक जी का भी सहयोग है कि इसका प्रचार रिजेक्ट कराया जाए। कौन विधायक जेकर अपना बात कर ला है? माननीय शुक्ला जी, पूरा नाम है जानकारी? अब पूरा नाम तो हमको नहीं याद आ रहा। हाँ, केदारनाथ शुक्ला जी जे सीधी विधायक, उनकर बात कर ला है? हाँ, उनका बात करके हमारा कहा अपना का कहीं जान ला है ये उनको उनके द्वारा पहले मैं पूर्व में पुलिस में था, ये उनके द्वारा और के तिवारी जी के द्वारा मुझे बर्खास्त करवाया गया था। बर्खास्त के दरमियान फिर ये मुझे पंचायत में कई आरोप लगाए कि आपने इतना गमन किया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और इस बार उनको मौका मिल गया कि आपके ऊपर रिकवरी है, जबकि हमको रिकवरी के संबंध में ऐसा जानकारी नहीं थी और उसकी अपील मेरे द्वारा वहाँ की गई थी कमिश्नर साहब के यहाँ। और नहीं तो अपील किन गए अपना के ऊपर कितने की वसूली है, उसका मामला ये थे जो कलेक्टर साहब से अपना के बात भय का पूर्व बात भय हुआ हमका बताए। पूर्व बात ये भाई कि आपके ऊपर रिकवरी है कितने के है? रिकवरी 3 लाख की। हाँ, हमने कहा सर कहा कि रिकवरी है, लग बताया कि ये आपकी दुकान की, तो हमने कहा कि हमारे नाम से दुकान है नहीं और सरपंच हैं, सरपंच स्वाभाविक हैं ला कि दुकान बनवाने के बाद वे दुकान को अंडर कर दिए थे और वो वहाँ के स्थानीय लोगों को तो दुकान भी मिली हुई है लग, वहाँ अपन जीवन यापन चला रहे हैं लग, उसी को ये षड्यंत्र बना करके और दबाव डाल कर रिकवरी डलवा दिए थे। ये फिर कहा कहीं कलेक्टर साहब जब अपना बताया कि हाँ है यह में मामला था, तो कलेक्टर साहब कहीं ऐसा है कि इसकी अपील चल रही है तो अपील को हम नहीं मान करेंगे। हमने कहा सर अभी आदेन प्रमाण पत्र हमको जिला पंचायत से मिला है कि आपके खिलाफ ऐसा कोई रिकवरी या वसूली राशि नहीं है लग, वो भी मिला है जी। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। नहीं तो वसूली नहीं भय अपना के, ठीक है वसूली मतलब 3 लाख के है, अपना अपील कमिश्नरी कोर्ट में करे हैं। हाँ, यह कहे चाहिए थे अपना। अब कलेक्टर साहब का मांगी अपना से कि यदि अपना का या नामांकन फॉर्म रद्द नहीं हो मतलब जो उनका रिक्वायरमेंट रही तो कहा ऐसा चीज मांगे रहे कि जो उन्हें इसे रोका जाए इसका थे अपना के यह नामांकन रद्द हो इसे स्टे कहे कि स्टे मांगे रहे स्टे जो आपकी रिकवरी है लग, अगर आपके पास स्टे हो तो हम उसको हम मान कर लेंगे है ना जी, मान कर लेंगे मतलब सीधे तौर पर समझी कि जी सबसे बड़ी देखी फॉल्ट कहाँ है अपना के द्वारा यह कहा गया कि जिला पंचायत से इनका अध्ययन प्रमाण पत्र मिला है, नोड्यूस सर्टिफिकेट जारी किया है, वह नोड्यूस सर्टिफिकेट अपना का कैसा जारी होगा यदि कौनों में के गड़बड़ी रही तो पहले रोक दिन जात तो काहे कहीं नामांकन फॉर्म भरते या कौनों में के, तो सबसे बड़ी बात का जिला पंचायत के वरिष्ठ अधिकारी जो जिम्मेदार बैठे उन्हों का नहीं पता है कि आखिर चुनाव में नाम निर्देशन पत्र के जमा करे के गाइडलाइन का ही सवाल बहुत सारे हैं। हालांकि अपना के सीधा सीधा आरोप है कि जब हम नोड्यूज बनवाएं तो वह नोड्यूज माँ यह बात के उल्लेखित का ही नहीं कहेंगे कि हमारा रिकवरी होने के वजह से हम लड़ाई के योग्य नहीं आए, या अपना एक ही खितिर का कहा कि जो में यह स्थिति है
नो ड्यूज अपना का साइन करके दे दीनगा, बिजली बिल वाला अपना के लगे मिलेगा, अपना पूरी तरह से यह कन्फर्म हो गया कि अब हमका चुनाव लड़े के मतलब सलगी अपना के अंदर हुआ है, क्षमता है और अपना कोनों में ऐसा गड़बड़ नहीं है। किंतु अब कैसा अपना का पता चला कि मतलब यही थे आजे पता चला अपना कि ये सलगी? हाँ अभी अभी चला, अभी चला, अभी आधा घंटा पहले हमको ये जानकारी हुई कि अपना के बाद आपत्ति लग गए। आपत्ति लग गए, हमने कहा सर आपत्ति हमको जानकारी नहीं है, काहे के संबंध में आपत्ति लगी है? कहने लिख के मैं दे रहा हूँ। हमने कहा लिखित नहीं, हमको आप दिखा दीजिए कि काहे काहे में हमारी आपत्ति लगी है। तो बोलोगे पढ़ लीजिए, हो गया इतनी बात। हमने कहा सर इसके पहले हमको जिला पंचायत से धन प्रमाण पत्र जारी हुआ था, अगर ऐसे कोई टूट रही होती तो आप सर उसी समय हमको कर देते। पर्चा अपना कब भरे रहे? हम शुक्रवार का। शुक्रवार का जी। और आज मतलब अपना का ये जानकारी मिली कि अब अपना चुनाव लड़े के हकदार नहीं बचन? नहीं बचन है ना। तो का लागत है, कऊ में मन में भाव आवत थे, का कहे चाहते जनता से, का अपील करे? जनता से हम यह कहे चाहते हैं कि जो हमको ये षड्यंत्र के तहत ये सब पूरा ये दबाव डालकर और मेरा पर्चा रिजेक्ट करवा रहे हैं, तो चुनाव में इनको हमें बताएंगे इतना यही धमकी दे रहे ना। अब धमकी चुनाव में भाई हम चुनाव में हम धमकी काहे दे रहे हैं? चुनाव प्रक्रिया जैसे होगी नहीं, दिल टूटा धन्य से तौर पर एक देखिए अब कहो न कहो देश के इतने बड़े त्यौहार मतलब पंचायत के चुनाव जो होते हैं ये एक त्यौहार से कम नहीं हुए, मतलब पूरे देश में हालांकि चुनाव नहीं आई, मध्य प्रदेश की त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव आए और यह चुनाव में यह त्यौहार में अपना के शामिल हो पर व्यवधान पड़ा है। अब वह शामिल हो के व्यवधान पूरी तरह से साफ हो चुका है कि अब अपना ओके खितर योग्य नहीं आई, कहे कि सीधी के जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर के द्वारा ये बात कही दी गई ही कि जो 3 लाख रुपया के वसूली है ओकर स्टे प्रमाण पत्र ले आवा तब अपना का योग्य माना जी, अन्यथा अपना यह चुनाव सेमरिया वार्ड नंबर 6 से शांति कोल अभ्यर्थी नहीं लड़ सकती। अपना के एक बड़ा जो है आरोप है कि हमका जिला पंचायत से नोड्यूज नहीं दीनगा, मतलब नोड्यूज दे दीनगा यदि हमारे ऊपर उनका दिशा निर्देश पता रहा तो पहले नोड्यूज में साइन न करते तो हम एठे उबे काहे करी। तो बहुत सारे सवाल हैं किंतु वह सवालन के जवाब अब जिम्मेदार खुद ढूंढ रहे हैं, काहे की आधी अधूरी जानकारी हमेशा बुरी होती है। और सोची जिला पंचायत के जिम्मेदार इतनी बड़ी गलती आखिर कैसा कह सकते हैं कि एक इतने बड़े मध्य प्रदेश के गांव के या लोकतंत्र के त्यौहार के जो में अपना के स्थिति रही, अपना एक पहले जो है वह क्षेत्र से जनप्रतिनिधि रहे हैं, ओके बाद फिर से लड़ाई की तैयारी रही किंतु अब नाम निर्देशन पत्र रद्द हो चुका है जो एक कहा जाए कि यह त्यौहार में एक बेहद बड़ी खबर मानी जा रही। तो अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब, धन्यवाद, प्रणाम।